हेलो स्टूडेंट्स वेलकम इन एच पी के हव आई एम हेयर योर स्पेशल मॉक टेस्ट सीरीज फॉर एच पी एस सी स्टाफ नर्स एग्जाम आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी यू हैव ओनली थ्री डेज सो वर्क हार्ड, द हार्डर यू वर्क द बेटर यू गेट सो लेट्स बिगिन फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टूडे इज एक्यूट लेट पॉइजनिंग इज ऑल्सो एक्यूट एकट पॉइजनिंग को और क्या कहा जाता है न्यूरेल्सिया नंबर सी प्लम्बिजम अदर ऑप्शन की बात करें न्यूरेल्सिया न्यूरेल्जिया इज अ पेन काउज बाई डैमेज और इरिटेटेड नर्व्स बिसिनोसिस ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज ड्यू टू कॉटन डस्ट इताई इटाइटाइज cadmium poisoning. So, right answer will be option number C, plumbism. Next, thoracocentesis is a treatment of choice. It's also known as thoracocentesis. Which e si choice of treatment Hydrothorax, empyema, hemothorax, all of the above. Yes, students, take your answers. Thoracocentesis is a procedure to remove fluid from the space between lungs and

तो उसे किस पॉइंट के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस करना चाहिए प्रोवाइड स्टिमुलाई फ्री एनवायरनमेंट टू क्लाइंट एजुकेट द फैमिली दैट शुड बी विद द क्लाइंट ऑल टाइम क्लोज सुप्रेशन ऑफ द क्लाइंट सेटिंग क्लियर रूल्स एंड द क्लाइंट्स बिहेवियर यूडेंट्स राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी सेटिंग क्लियर रूल्स

टू दियर प्रॉपर पोजिशन नेक्स्ट कोग्नेटिव मैनिफेस्टेश कोग्नेटिव मैनिफेस्टेशन क्या क्या इंक्लूड करती है ऑब्सिव थाट्स इन एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट हायर लेवल ऑफ एंग्जाइटी ऑल ऑफ द अब cognitive manifestations of stress include obsessive thoughts inability to concentrate higher level of anxiety constant burning racing thoughts forgetfulness disorganization being pessimistic so here right answer will be option number d all of the above next when client has left side weakness अगर किसी पेशेंट में लेफ्ट साइड में वीकनेस है विच पार्ट ऑफ स्वेटर इज पुट ऑन फर्स्ट तो ड्यूरिंग क्लोथ वियरिंग वो स्वेटर का कौन सा पार्ट पहले बियर करेंगे क्लाइंट चॉइस राइट स्लीव लेफ्ट स्लीव बोथ स्लीव राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी लेफ्ट स्लीव नेक्स्ट नॉर्मल ब्लड यूरिया लेवल इज वेरी इजी क्वेश्चन नॉर्मल ब्लड यूरिया लेवल कितना रहता है टेन टू ट्वेंटी मिलीग्राम्स ट्वेंटी टू फोर्टी मिलीग्राम्स फोर्टी टू सिक्सटी मिलीग्राम्स और एटी टू वन ट्वेंटी मिलीग्राम्स दिस इज फॉर यू ग्वाइज राइट आंसर इन कमेंट बॉक्स नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज डायग्नोस्ड बेस्ड ऑन रीड स्टर्नबर्ग सेल टाइप इनमें से कौन सा डायग्नोसिस रीड स्टर्नबर्ग सेल टाइप के बेस के ऊपर किया जाता है हॉटकिंस डिजीज नेफ्रोब्लास्टोमा प्लास्टोमा नॉन हॉटकिंस डिजीज य स्टूडेंट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए हॉटकिंस डिजीज हॉटकिंस डिजीज क्या रहती है इट्स अ Cancer of lymphatic system. A Reed Sternberg cell type are the cells, large abnormal lymphocytes that contain more than one nucleus and are essential to the diagnosis of Hodgkin's disease, that is, cancer of lymphatic system. Regulation is most appropriate for a patient diagnosed with. मैथिसिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस न्यूमोनिया दैट इज एम आर एस एम आर एस ए पेशेंट के लिए कौन सी आइसोलेशन जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट रहती है रेस्पिरेटरी आइसोलेशन कॉन्टेक्ट आइसोलेशन रिवर्स आइसोलेशन स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स राइट आंसर विल भी ऑप्शन नंबर बी कॉन्टेक्ट आइसोलेशन्स हैंड्स ऑफ हेल्थ केयर पर्सनल अदर प्राइवेट रूम बॉडी सबस्टांस आइसोलेशन्स गुड हैंड वॉशिंग टेक्नीस सो दीज आर नेसेसरी सो कॉन्टेक्ट आइसोलेशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट सॉरी सिल्वर नाइट्रेट ड्रेसिंग काउस सिल्वर नाइट्रेट ड्रेसिंग क्या काउस कर सकती है डिप्लीशन ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम एबनॉर्मल्टी इन ब्लड गैसेस एबनॉर्मल ब्लड काउंट इंक्रीज ब्लड यूरिया नाइट्रोजन यस स्टूडेंट्स सिल्वर नाइट्रेट ड्रेसिंग काउस डिप्लीशन ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम एज वेल एज क्लोराइड ज आर इलेक्ट्रोलाइट्स तो सिल्वर नाइट्रेट कैन काउस डिप्लीशन ऑफ सोडियम पोटासियम एंड क्लोराइडाइन सो वेन पेशेंट हैज सिल्वर नाइट्रेट ड्रेसिंग एसेसमेंट ऑफ सीरम इलेक्ट्रोलाइट इज इशेंशियल नेक्स्ट हिमैटोपोसिस इन अडल्ट अकर एट अडल्ट में हिमैटोपोइसिस कहाँ होती है स्प्लीन येलो बोन बोन मैरो रेड मैरो यस स्टूडेंट्स हिमैटोपोसिस इज ए फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेलुलर कंपोनेंट्स सो इन केस ऑफ अडल्ट इट टेक्स प्लेस इन रेड बोन मैरो इन इट टेक्स प्लेस इन लीवर एंड स्प्लीन इन केस ऑफ फिटस एंड इन अडल्ट रेड बोन मैरो नेक्स्ट इज चाइल्ड इज डायग्नोज विद विम्स ट्यूमर ड्यूरिंग असेसमेंट दर्स एक्सपेक्ट टू डिटेक्ट एक चाइल्ड में विल्म्स ट्यूमर डायग्नोज किया गया है तो असेसमेंट के दौरान तो नर्स क्या डिटेक्ट करेगी ग्रॉसिमेटूरिया डायसूरिया मास और ऑलिगुरिया विल्म्स ट्यूमर की बात करें इट्स अ पेनलेस

ग्लोमैरुलोसा जोना ग्लोमेरुलसा से कौन सा हार्मोन रिलीज किया जाता है राइट और स्ट्रोजन एड्रल इिन एल्डोस्टिरोन कॉटिसन जोना ग्रोसा ऑफ ग्लोमैरुलोसा ऑफ एड्रीनल ग्लैंड इज द मोस्ट सुपरफिशियल लेयर ऑफ द एड्रीनल कॉटेक्स लाइंग डायरेक्टली विनीथ द रिनल कैप्सूल हामोन नेक्स्ट इज नाओ एन एम इज ऑल्सो नोनेस आजकल ए एन एम को और क्या कहा जाता है हेल्थ असिस्टेंट फीमेल एल एच पी पीएचएन हेल्थ वर्कर फीमेल वैर इज द्वेशन राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी हेल्थ वर्कर फीमेल नेक्स्ट द कोड ऑफ इथिक्स इन नर्सिंग बाज अडॉप्टेड एंड पब्लिस्ड बाई नर्सिंग में कोड और कोड ऑफ इथिक्स जो है वो किसके द्वारा अडॉप्ट और पब्लिश किए जाते हैं इंटरनेशनल काउंसिल्स ऑफ नर्सिस हिमाचल नर्सिंग काउंसिल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन नर्सिंग काउंसिल राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिस एडॉप्ट एंड पब्लिश कोड ऑफ इथिक्स इन नर्सिंग नेक्स्ट इज एलिवेटेड स्पेसिफिक ग्रेविटी कैन बी सीन इन एलिवेटेड स्पेसिफिक ग्रेविटी किसमें देखी जाती है पॉलि डिहाइड्रेशन डायबिटीज इंसिपिडस हाइपरबोलेमिया यस स्टूडेंट्स Specific gravity of urine is observed in dehydration and SiADH, that is syndrome of inappropriate antidiuretic hormone. So, your right answer is elevated specific gravity in case of option number B, dehydration. Next is Kramer's rules used for. मल रूल किस लिए यूज किए जाते हैं फॉर नेक्रोसिस्टिंग एंटीरो फॉर वर्न्स फॉर एस्फिक्सिया और फॉर जॉन्डिस क्रेमल्स रूल्स आर फॉर एस्टिमेशन ऑफ बिली रूविन लेवल इन जॉन्डिस सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जॉन्डिस नेक्स्ट इज मदर हैड ऑन सेट ऑफ पेरिसला जोस्टर बिफोर फाइव डेज प्रायर टू दिलीवरी एक मदर में बैरिसोला जॉस्टर हो जाता है डिलीवरी से पांच दिन पहले द मोस्ट अप्रोप्रियट नर्सिंग एक्शन इज उस कंडीशन में मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन क्या रहता है आइसोलेट द बेबी आफ्टर द डिलीवरी एंड स्टार्ट फॉर्मूला फीट एडवाइज द मदर टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी baricella joster immunoglobulin should be administered to the infant immediately after the birth. <coughs> no need of any action as baricella can't cross the placenta. here, right answer will be option number c. baricella joster immunoglobulin should be administered to the infant immediately after the birth. next is नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन ईयर ऑफ नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम किस ईयर लॉन्च किया गया था 1979 1980 1981 नाइनटीन एटी नाइनटीन एटी वन नाइनटीन एटी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम इन नाइनटीन एटी टू कीपिंग इन व्यू मेंटल हेल्थ ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर नेक्स्ट फाइनल स्टेज ऑफ निमोनिया इज न्यूमोनिया की फाइनल स्टेज कौन सी है कंजेशन रेड हिपेटाइजेशन ग्रेपेटाइजेशन रेजोल्यूशन राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी रेजोल्यूशन देर आर फोर स्टेज ऑफ निमोनिया फर्स्ट कंजेशन सेकेंड रेड हिपेटाइजेशन एंड थर्ड ग्रे हेपिटाइजेशन एंड फोर्थ वर्न इज दोर्थ और फाइनल रेज रेजोल्यूशन हेपिटाइजेशन करेक्टराइज बाई रिजॉर्प्शन एंड रिस्टोरेशन ऑफ द पल्मी आर्किटेक्चर नेक्स्ट इज साइड इफेक्ट्स ऑफ फ्लोक्सीटीन आर ऑल एक्सेप्ट फ्लॉक्सीटाइन के साइड इफेक्ट्स इनमें से कौन सा नहीं है डायरिया स्वेटिंग वेट गेन यूरनरी रिटेंशन फ्लॉक्सीटाइन की बात करें फ्लॉक्सीटाइन इज यूज टू ट्रीट मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स बुलमिया और पैनिक डिसऑर्डर्स एंड इट इज सोल्ड विद द नेम ऑफ प्रोजेक्ट और साराफेम विद ब्रांड नेम प्रोजेक्ट और साराफीम सो डायरिया स्वेटिंग वेट गेन आदि साइड इफेक्ट ऑफ फ्लोक्सीटाइम यूरिनरी रिटेंशन इज नॉट साइड इफेक्ट ऑफ फ्लोक्सीटाइम सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यूरनरी रिटेंशन नॉजिया डिजीनेस ड्रॉसीनेस टायर्डनेस स्वेटिंग यानिंग आदि साइड इफेक्ट्स ऑफ फ्लोक्सीटाइन नेक्स्ट इज डायपर रेसिस मोस्ट कॉमनली काउज बाई डाइपर रेसिस मोस्ट कॉमनली किसके द्वारा काउज किए जाते हैं यस स्टूडेंट बाई स्टेफरियस स्टेफाइलोकोकोसोरियस बाई इक्लाई स्टेपोकाई और डिप्थीरिया दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू गाइज राइट आंसर इन कमेंट बॉक्स लैक्टोज इंटॉलरेंस इज अ कंडीशन दैट बिकॉज लैक्टोज दरेंस एक कंडीशन है जो किस एंजाइम की डेफिशियंसी के कारण होती है ग्लूटेन माल्टोज पेप्सिन और लैक्टेस नेम से क्लियर हो रहा है राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी लैक्टेज लैक्टेज एंजाइम Digest lactose. So, if there is a deficiency of lactase, then lactose intolerance condition develops. Next, patient finding fighting with the ventilator is called linking, weaning, distress, or kinking. Yes, students.

Fall Injury, Faulty Development Wound dysplasia is an intrinsic disturbance which resulting in short stature, wound or cartilage abnormality that leads to change in size and shape of legs, arms and trunk is known as dysplasia. So it's due to is because of faulty development. नेक्स्ट इज द जीके सेक्शन फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ जीके इज काटी ढीली रुचका फेमस फोक डांस ऑफ काडी ढीली रुचका किसके फेमस फोक डांस है मंडी किन्नौर शिमला कुल्लू राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी कुल्लू नेक्स्ट विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल्स इज नॉट रिलेटेड टू द राइट टू इक्वलिटी इनमें से कौन सा आर्टिकल राइट टू इक्वलिटी से रिलेटेड नहीं है थर्टीन फोर्टीन, फिफ्टींथ सिक्सटीन, सो ये राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए थर्टीन आर्टिकल फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन आर रिलेटेड टू राइट टू इक्वेलिटी नेक्स्ट विच अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटी आल्सो नोन बाई द नेम ऑफ सिंधी गांधी इनमें से कौन सी पर्सनैलिटी सिंधी गांधी के नाम से जानी जाती है बाबा कांसीराम कृष्णानंद स्वामी शोभा सिंह हरि सिंह राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी कृष्णानंद स्वामी नोन बाय द नेम ऑफ सिंधी गांधी बाबा कांसिम बाई पहाड़ी गांधी नेक्स्ट इज ट्रीटी ऑफ सुगौली साइंड बिटवीन दी सुगौली की ट्रीटी किस किस के बीच में साइन की गई थी ब्रिटिश एंड सिख राजा संसार चंद एंड गोरखास ब्रिटिश एंड गोरखास सिख एंड गोरखास राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी ब्रिटिश एंड गोरखास यस स्टूडेंट्स ट्रीटी ऑफ सुगौली वाज साइंड इन ऑन फोर्थ मार्च 1816 इट एस्टैब्लिशड बाउंड्री लाइन ऑफ नेपाल signed on 2nd december 1815 but was ratified on 4 march 1869 16 1816 कई बार आपको डेट लाइन भी पूछी जा सकती है तो इट वाज रेटिफाइड 4 मार्च 1816 एंड इट वाज साइंड ऑन डिसम्बर एटीन फिफ्टीन बिट्वीन ब्रिटिश एंड गोरखासड बॉन्ड्री लाइन ऑफ नेपाल विच इंडियन सिटी वॉज रिसे सर्टिफाइड फॉर्मली एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाई यूनेस्को कौन सी इंडियन सिटी को रिशेंटली सर्टिफाइड कर दिया गया है फॉर्मली एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाई यूनेस्को जयपुर मंडी गोवा वाराणसी राइट आंसर इज पिंक सिटी जयपुर ऑन सेकेंड फेब्रुरी इट्स फिफ्थ फेब्रुवरी ट्वेंटी ट्वेंटी नेक्स्ट इज हू हेज बीन रिसेंटली कन्फर्ड विद द ट्वेंटी नाइंथ सरस्वती सम्मान अवार्ड किसे ट्वेंटी नाइन्थ सरस्वती सम्मान अवार्ड के द्वारा रिसेंटली कंफर्ट किया गया है लीलाधर विक्रम सेठ पदमा सचदेव बासदेव मोही राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी बासदेव मोही बीन रिसेंटली कन्फर्ड विद ट्वेंटी नाइन्थ सरस्वती सम्मान अवार्ड सरस्वती सम्मान अवार्ड के बारे में बात करें इट वॉज स्पॉन्सर्ड बाई के के बिरला फाउंडेशन स्टार्टअर्ड in 1991 and first awardee was harivansh rai bachchan isme <coughs> cash prize 15 lakh ka rehta hai aur ek ek annual award hai basi Mohiz sindhi writer and इन्हें ये award जो दिया गया है वो इनकी story collection कलेक्शन चेकबुक के लिए दिया गया है इसके अलावा ये साहित्य अकादमी अवार्ड भी विन कर चुके हैं नेक्स्ट इज विच एशियन कंट्री रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट फी फॉर रीजनल टूरिस्ट इंक्लूडिंग इंडियन विजिटर्स इनमें से किस एशियन कंट्री ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट फी इंट्रोड्यूस करवाई की है फॉर रीजनल टूरिस्ट जिसमें इंडियन बिजटर्स भी आते हैं नेपाल म्यांमार भूटान बांग्लादेश इट्स बांग्लादेश सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी भूटान भूटान गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट फी फॉर रीजनल टूरिस्ट इंक्लूडिंग इंडियन विजिटर्स भूटान गवर्नमेंट मानती है कि विजिटर्स जो है वो वहाँ की इकोलॉजी को डिस्टर्ब करते हैं इसके लिए उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट फी इंट्रोड्यूस की है जिसका अमाउंट रहेगा अराउंड ट्वेल्व हंड्रेड भूटानीज नुट्रम दट इज अबाउट सिक्सटीन पॉइंट एट फाइव यूएस डॉलर नेक्स्ट इज फेयर नोन फॉर द बुल फाइटिंग इज सेलिब्रेटेड एट फेयर जो बुल फाइटिंग के लिए जाना जाता है कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है चिंतपूर्णी अर्की सोलन सराहन राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी अर्की एंड इट इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई अंडर विच रूलर फॉर फर्स्ट टाइम चंबा पेंटिंग्स गॉट रॉयल पैट्रोनीज किस रूलर के अंडर चंबा पेंटिंग को यल पैटर्निस प्राप्त हुआ साहिल बर्मन राजा भूरी सिंह राजा उदय सिंह राजा जिसटो वर्मन यस स्टूडेंट्स ये राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी राजा उदय सिंह के टाइम में नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग दज दर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ यूरेम इनमें से किसमें वर्ल्ड के लार्जेस्ट यूरेनियम रिजर्व्स हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया यूएसए रशियन फेडरेशन राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया हैज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ यूरेनियम नेक्स्ट सुही गीत एंड सुक्रात आर रिलेटेड टू बिच डिस्ट्रिक सुही गीत और सुक्रात किस जिले से संबंधित हैं कांगड़ा हमीरपुर चंबा बिलासपुर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी चंबा डिस्ट्रिक्ट नेक्स्ट इज शक्ति देवी टेम्पल छतराड़ी चंबा इज बिल्ट इन बिच आर्किटेक्ट स्टाइल चंबा का शक्ति देवी टेम्पल छत्राड़ी किस आर्किटेक्ट स्टाइल में बिल्ट किया गया है पेंट्रूफ पैगौड़ा नगाड़ा और पीरामेडिकल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पैंट्रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल पदम पैलेस इज लोकेटेड एट पदम पैलेस कहाँ प्रेजेंट है रामपुर केलांग धर्मशाला नाहन राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रामपुर शहर Which state cabinet has recently approved the proposal for creating three capitals for the state? kis state cabinet ne recently teen capital create करने के proposal को approve कर दिया है? ओडिशा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। Right answer is option number three, आंध्र प्रदेश state cabinet has recently approved the proposal for creating three capitals for the state this is all about today students don't forget answer the questions in comment box and like share subscribe and for any query whatsapp on our number